नमस्कार दोस्त, हमारा नाम है गौरव और हम आपका स्वागत करते हैं कि आइए एक इस खास प्रोग्राम खबरदार शो में। दोस्तों, आज इस शो के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश में हुए एक ऐसे एनकाउंटर के बारे में बताएंगे जिसके आगे उत्तर प्रदेश के सारे एनकाउंटर, चाहे प्रकाश शुक्ला हो, विकास दुबे हो, सब फेल है। ये एक ऐसा एनकाउंटर था जिसमें आईजी डीआईजी सब घायल हो गए। जब से उत्तर प्रदेश में योगी शासन आया है तब से एनकाउंटर की स्पीड ऐसे बढ़ गई है कि हर रोज किसी जिले की खबर आपको सुर्खियों में देखने को मिल ही जाएगी कि आज इस जिले का कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गया। यह सब देखकर हम सबको एक सुकून भी मिलता है कि अपराधियों का खात्मा हो रहा है और हम पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे डकैत के बारे में बताएंगे जिसने अकेले 400 पुलिस वालों से 52 घंटे तक लगातार मुठभेड़ की। एक ऐसा डकैत जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसे घेरकर पूरे गांव में आग लगा दी, फिर भी वह लगातार मुठभेड़ करता रहा। एक ऐसा डकैत जिसके मुठभेड़ का लाइव पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसा डकैत जिसने पहली बार खाकी को सबसे ज्यादा हताश कर दिया। उस डकैत का नाम था घनश्याम केवट। आज शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे घनश्याम केवट के एनकाउंटर की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि घनश्याम केवट डकैत कैसे बना। वर्ष था 2003 जब घनश्याम की बहन के साथ गांव के एक युवक ने रेप कर दिया। बहन के साथ हुई रेप की घटना का पता चलने पर घनश्याम ने इसकी शिकायत पुलिस वालों से की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बावजूद वह कई महीनों तक पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई न होने पर वह हताश हो गया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह जुर्म के रास्ते को अपना लेता है। घनश्याम ने भी वैसा ही किया। उसने बंदूक उठाने का फैसला किया और डाकू शंकर केवट के गिरोह में शामिल हो गया। गिरोह में शामिल हुए घनश्याम को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि उसने अपनी बहन के साथ रेप करने वाले युवक की हत्या कर दी। वर्ष 2005 में घनश्याम के गिरोह के सरदार शंकर केवट की मौत हो गई, जिसके बाद घनश्याम केवट गिरोह का सरदार बन गया। घनश्याम केवट ने क्षेत्र में तबाही मचाना शुरू कर दी। हत्या, लूट, अपहरण उसके दाएं हाथ का काम बन चुका था। यह तो थी घनश्याम केवट के डकैत बनने की कहानी। अब जानते हैं कि उसके एनकाउंटर की कहानी क्या थी। तारीख 16 जून 2009, तकरीबन सुबह के 11 बजे। तब चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के जमोली गांव में पुलिस की गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए एंट्री की। ग्राम जमोली के निवासियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 3 दिन उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस को सूचना मिली थी कि जमोली गांव में उत्तर प्रदेश का इनामी बदमाश घनश्याम केवट छुपा हुआ है, और पुलिस की सूचना बिल्कुल सही थी। उस दिन घनश्याम गांव में ही बैठा था, लेकिन पुलिस की तरफ से डकैत को घेरने के लिए सिर्फ कुछ थाने की फोर्स को ही बुलाया गया था। पुलिस को भी आने वाले खौफनाक मंजर का अंदाजा नहीं था। गांव में पुलिस की एंट्री के कुछ देर बाद ही पुलिस वालों को डाकू घनश्याम केवट का पता चल गया, लेकिन जब तक घनश्याम को भी पुलिस के आने की सूचना प्राप्त हो चुकी थी, और उसने गांव के एकमात्र 2 मंजिला पक्के मकान में सबसे ऊपर वाले कमरे में अपना ठिकाना बना लिया। डाकू घनश्याम के पास सैकड़ों कारतूस व 315 बोर की फैक्ट्री मेड राइफल और एक बोतल पानी ही था, जिसके सहारे उसने अपने आप को पुलिस से मुठभेड़ करने के लिए मुस्तैद कर लिया। घनश्याम ने मकान मालिक को राइफल की नोक पर मकान से बाहर निकाल दिया। और खास बात यह थी, घनश्याम जिस कमरे में मौजूद था उस कमरे की खिड़की से घनश्याम को गांव का लगभग हर वह कोना दिख रहा था जहां जहां पुलिस के जवान तैनात थे। दोपहर का करीब 1 बजे का वक्त, पुलिस चारों तरफ से घनश्याम को घेर चुकी थी।
लेकिन पुलिस जब तक घनश्याम पर गोली चलाती उससे पहले ही घनश्याम ने पुलिस के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला और पुलिस के जवानों का डकैत घनश्याम तक पहुंचना भी असंभव था। घनश्याम के इरादों को भांप कर उच्चाधिकारियों ने भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाने का फैसला लिया, पर पुलिस बल आते आते सुबह हो गई। 17 जून को चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी से भारी संख्या में पुलिस फोर्स मंगाया गया और उसके साथ साथ कई कुंकार डकैतों को ठिकाने लगाने वाली एसटीएफ की टीम को भी बुला लिया गया। और लगातार घनश्याम और पुलिस के बीच गोलीबारी चलती रही और घनश्याम की गोलियों की बौछार के आगे पुलिस वाले भी पस्त हो गए और एक अजीब सा फैसला ले डाला। घनश्याम को कमरे से बाहर निकालने के लिए पूरे गाँव में ही आग लगा दी गई। ग्रामीणों को गाँव से बाहर निकाल दिया गया। जिस जगह पर वह पक्का मकान स्थित था उसके आसपास झुग्गी झोपड़ियों के आशियाने ही थे, जिससे पुलिस को यह लगा कि यदि आग लगा दी जाए तो लपटों के डर से डकैत घनश्याम बाहर निकलेगा और उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन उस डकैत की दिलेरी कहें या कुछ और कि आग की लपटों के बीच लगभग 8 घंटे तक घिरा रहा घनश्याम। सिर्फ घिरा ही नहीं रहा बल्कि उसने पुलिस वालों को निशाना भी बनाया। घनश्याम केवट लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, जिससे 17 जून से लेकर 18 जून 2009 के बीच घनश्याम की गोलीबारी का निशाना बनते हुए पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें पीएसी की कंपनी कमांडर बेनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही शमीम इकबाल और वीर सिंह शामिल थे। इसके साथ तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक पीएसी बीके गुप्ता और उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घनश्याम का सामना करने के लिए तत्कालीन एडीजी ब्रजलाल, आईजी जोन इलाहाबाद सूर्य कुमार शुक्ला सहित कई पुलिस अधिकारी जमोली गांव पहुंच गए और एक तरफ से लखनऊ के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह न्यूज चैनलों पर हो रहे मुठभेड़ के लाइव प्रसारण के माध्यम और फोन द्वारा पुलिस को गाइड कर रहे थे। 18 जून का दिन था, लगभग 4 बज रहे थे। पिछले 3 दिनों से एक डकैत और 400 पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ का अंत होने वाला था। डकैत घनश्याम पिछले 3 दिनों से केवल 1 पानी की बोतल पर जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद 18 जून के शाम 4 बजे घनश्याम चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कमरे से भागने में सफल हुआ और मकान के पीछे मौजूद जंगल में भाग गया। लेकिन पुलिस ने मकान और जंगल को चारों तरफ से घेर लिया था और घनश्याम के जंगल में भागने की सूचना मिलते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और 45 मिनट की फायरिंग के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। और फिर क्या था, पुलिस ने घनश्याम की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान गोलियों से छलनी घनश्याम की लाश खाकी को बरामद हुई, लेकिन घनश्याम केवट को मारकर भले ही खाकी ने उस समय खुद की पीठ थपथपाई हो, लेकिन जिस तरह से अकेले डकैत ने यूपी पुलिस से 3 दिन तक टक्कर ली, उसको याद करके आज भी लोग घनश्याम केवट का जिक्र किया करते हैं और उस एनकाउंटर के लिए पुलिस की आलोचना भी होती है। इसके साथ साथ जमोली की वादियों में आज भी घनश्याम और पुलिस की इस ऐतिहासिक मुठभेड़ की चर्चाएं गूंजती हैं। आज भी खौफनाक मंजर याद करके उस गाँव के लोग सहम जाते हैं। गाँव में कई जगह आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं डकैत घनश्याम के बारे में, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए